जी थोड़ा साइड हो जाइए। चालू कर दो आप चलो यार। डू फास्ट जर्मनी अरिया को वापस दो। जर्मनी अरिया को वापस दो। अरिहा कम बैक। हम सब जैसे जानते हैं कि एक 2-2.5 साल की बच्ची को जर्मनी ने कैद करके रख लिया है, जबकि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, उसने कोई मिस्टेक नहीं की है और कुछ भी नहीं कर रही है, फिर भी अपने हाई हैंडेडनेस से उन्होंने उसको अपने पास रख लिया है। यहाँ तक कि भारत सरकार भी उसको इंडिया वापस लाने के लिए सरकार को लिख चुकी है, लेकिन वो लोग फिर भी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि आज हम लोग सब जर्मन प्रोडक्ट्स के बहुत बड़े यूज़र हैं। हम लोग जर्मन की गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, हम उनके इतने बड़े कस्टमर हैं और वो हमारी बेटी को वहाँ बंधक बना के रखे हुए हैं। एक 2.5 साल की बच्ची को अपने परिवार से अलग कर दिया है, उसको 15 दिन पहले अनाथ आश्रम में डाल दिया है। गुनाह क्या है? कोई गुनाह नहीं है। उसको नॉनवेज खिलाया जा रहा है, जबकि वो शाकाहारी परिवार से है। उसको भाषा, उसको जो है जर्मन सिखाई जाती है, उसको अपनी देश की भाषा भी नहीं सुनाई दे रही। उसको उन्होंने उसके सारे मानव अधिकार का बॉयकॉट किया है, उसके कल्चर का राइट्स मिलने में बॉयकॉट किया है जर्मन गवर्नमेंट ने। उसको अपने रिलीजन से दूर कर दिया है, उसकी भाषा से बॉयकॉट कर दिया है। तो आज हम प्रतीक रूप से जर्मन गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके कस्टमर हैं और आप अगर हमारी बेटी, आपकी सरकार हमारी बेटी को इस तरह से परेशान करेगी तो हम लोग सुखी नहीं है, हम लोग बहुत दुखी हैं और हमारा दुख व्यक्त करने के लिए हम इधर आए हैं। और अगर हम जर्मन प्रोडक्ट्स को लेते हैं, चलाते हैं, तो हम कभी नहीं चाहते करके कि अगर हम इसको बढ़ावा दें। और अगर जर्मन सरकार अरिया को नहीं छोड़ेगी तो जर्मनी के हर एक कंपनी को इसको भुगतना पड़ेगा, उनके बिजनेस के ऊपर में प्रॉब्लम आएगा। आज हम सारे बिजनेस कम्युनिटी से आए हुए हैं, सबकी गाड़ियाँ जर्मन मेक हैं, आप देख सकते हैं, सब जर्मन गाड़ी सब प्रोटेस्ट करने आए हैं करके। तो हमारी एक ही विनती है जर्मन सरकार को कि आप अरिहा को वापस दे दो। उसका कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह है तो हमको बताइए तो लड़की ने गुनाह क्या किया है करके। आपके देश में आप खुद बोलते हैं कि जर्मन के हर एक नागरिक को अपना धर्म, अपना कल्चर, अपनी भाषा का अधिकार है, भले वो इमिग्रेंट हो तो भी। यूनाइटेड नेशन में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो जर्मनी ने भी साइन किया हुआ है, हिंदुस्तान ने भी साइन किया हुआ है, वहाँ पर भी प्राधान्यता दी जाती है कि बच्चे के हक में जो हो वो किया जाए। तो क्या वो हक में है कि उसको अनाथ आश्रम में रखा जाए, जबकि उसकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पर है? क्या उसके हक में है कि वो भारत की नागरिक है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन उसको जर्मनी में एक अनाथ आश्रम में रखा जाए? क्या ये वो बच्ची के हक में है कि जो शाकाहारी परिवार में जन्म लिया है उसको आज नॉनवेज खिलाया जा रहा है वहाँ पर? क्या ये बच्ची के हक में है कि उसकी भाषा, मातृभाषा जो है उसको नहीं, उसको जर्मन सिखाया जा रहा है, उसको मातृभाषा से दूर किया जा रहा है? तो बस इस चीज का प्रोटेस्ट करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। अरिहा हमारी बच्ची है, हम अरिहा से प्यार करते हैं। तो जर्मन सरकार, जर्मन कंपनियां ये समझ ले कि आपके कस्टमर को दुखी करना है, जो आपको बिजनेस दे रहे हैं उन्हीं को दुखी करना है, उनकी बेटियों को ही आपको बंधक बना के रखना है, जबकि आपके पास एक भी गुनाह नहीं है उसके सामने। तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और हम मीडिया से विनती करते हैं कि ये बात जर्मनी तक कैसे पहुँचे, आप आपके तरीके से पहुँचाइए कि ये एक भारत की बच्ची का सवाल है, यहाँ पे किसी को कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये विनती है। जर्मनी हाय हाय, जर्मनी हाय हाय, जर्मनी हाय हाय, अरिहा कम बैक, अरिहा कम बैक। हम लोगों को पीछे रहना। जर्मनी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जर्मनी दूर से ले ले। सबसे बड़े मुद्दे पर हम सब हमारा यही है कि अरिहा जी क्या ले रहे हैं। मोहन भाई हटो थोड़ा। जर्मन सरकार को ये पता चल जाए कि उनकी ये गलती है या उनको इस बच्ची का कोई गलती नहीं है और उसको वहाँ पे परेशान नहीं करना चाहिए, तो वो तो हमारे राजदूत को वहाँ पे जो जर्मनी में है वो लोग 2 घंटे में वो बच्ची को सौंप सकते हैं। और अपनी भारत की सरकार जो है जो उचित है उसके साथ में वो किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, तो हमको हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा है कि अगर भारत सरकार को वो सौंप देंगे तो भारत सरकार उसकी ठीक ठाक उसकी ध्यान रखेगी करके। बस हम इतना ही कहते हैं कि वो भारत सरकार को सौंप दी जाए, भारत की नागरिक है वो, भारत वापस आनी चाहिए। आज आप लोग का प्रोटेस्ट है तो आप लोग बताना चाहेंगे कि किस प्रोटेस्ट के जरिए और क्या कुछ आप लोग आने वाले। ये आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी जो गाड़ियाँ आई हैं करके बराबर एक गाड़ियाँ जो है वो महंगे से महंगी गाड़ियाँ हैं और सारे बिजनेसमैन की है। अगर वो लोग भी जो कम निकलते आप लोग दिखाए करके आज उनको भी वो लोग भी साथ आज सवेरे 7 बजे लेकर सब आ गए हैं अपनी गाड़ियों को और बहिष्कार करने के लिए। और हम सब उसको प्रतीक रूप से आज गाड़ियों के ऊपर भी बहिष्कार करने वाले थे, जो आपको पता है कि हमको जो है शासन की तरफ से मना कर दिया गया करके। तो ये लोग ये एक ही चीज़ दिखा रहा है कि ये जो चिंगारी है, ये जो पेन है, वो हर एक के मन के अंदर बैठ गया है करके। इसको छोटा चीज़ नहीं समझा जाए और ये आगे जो है वो बहुत बड़ा स्वरूप लेगी अगर अरिहा वापस नहीं आएगी। बस हम तो यही चाहते हैं कि अरिहा को वापस दें। बातचीत सब हो चुकी है, हमारे भारत सरकार ने उनको सारे सब लीगल पेपर्स वगैरह सब सबमिट कर दिया है। बस यही है कि उनको एक्शन लेना है उसको। जी जब भी वो इंडिया में आते हैं कुछ के साथ पास में ये मैसेज है क्योंकि अभी तक यह प्रैक्टिस सबके पास नहीं आती। भारत सरकार इसके लिए पूरा काम कर रही है राजदूत के द्वारा बराबर है और इसके अंदर हमारा भारत सरकार का हमको पूरा कॉपरेट है। भारत सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आपने भी देखा होगा कि ये नॉर्वे चैटर्जी जो फिल्म आई थी वो ऐसे ही एक बच्ची की कहानी थी करके और ये मामला जो है घूमका ले गया है। इस भारत सरकार से हम यही चाहते हैं और कि बच्ची जल्दी जल्दी भारत आए। और हमको ये विश्वास है कि भारत आने जाने पर भारत सरकार जो है वो अपना काम अभी भी ठीक कर रही है और बच्ची आने के बाद उसको बराबर संभालेगी। तो हमको ये फोकस जो है ना कि जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर ही रखना है। हमारी भारत सरकार प्रॉपर काम कर ही रही है। आज आप लोग हमने देखा कि आप लोगों ने पाकिस्तान भी किया, जर्मन के जितने भी प्रोडक्ट आगे आने वाले अभी तो हमने सिर्फ जर्मनी के बड़े बड़े ब्रांड जो गाड़ियाँ हैं उसका एक 1% लोगों को इकट्ठा करके इसका बहिष्कार किया है प्रतीक रूप से, लेकिन आगे आने से इसका रूप बहुत बड़ा होगा। और ये कंज्यूमर ब्रांड से लेकर हर एक हिंदुस्तान के अंदर में 1700 कंपनियां हैं जर्मनी की। तो ये सभी को इसका अगर उनकी सरकार अगर हमारी बेटी के ऊपर जुल्म करेगी तो इसका जो इनको सब ये कंपनियों को भुगतना ही पड़ेगा। आने वाले दिन। हम इतना ही बता सकते हैं, हमारी आगे की स्ट्रैटेजी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर बताएंगे करके कि हम हमारी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं उसको बचाने के लिए। एक जो आप लोग का स्लोगन है, भारत की बेटी है, अरिहा भारत की बेटी है, अरिहा भारत की बेटी है, अरिहा भारत की बेटी है। हम अरिहा से प्यार करते हैं, हम अरिहा से प्यार करते हैं, हम अरिहा से प्यार करते हैं। अरिहा, हम तुमको वादा करते हैं, जब तक तुम भारत नहीं आओगी हम कोई चैन से नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। अरिहा वापस दो, वापस दो। और जो आप कहना चाह रहे थे कि आगे का क्या होगा, तो उसका एक प्रतीक देख लीजिए आगे क्या होगा करके। ठीक, आगे चलो बाइक बेचने का, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स है दूसरी भी, जो जापानीज़ है, इंडियन है, सब है, बट अगर जर्मनी नहीं करता है तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जर्मनी प्रोटेस्ट के हिसाब से माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज भारत में बहुत ही बाइकिंग कम्युनिटी बहुत ही बड़ी है। ऐसा नहीं है कि बाइकिंग कम्युनिटी बहुत छोटा है, आजकल बाइकिंग कम्युनिटी इतना बड़ा हो गया है भारत में, सबको मालूम है कि बाइकिंग कम्युनिटी का पावर कितना है। तो लोग अगर चाहेंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ तो हम बेशक उसको वापस ला पाएंगे। थैंक यू।